सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करते हैं आपका एक और फ्रेश व्लॉग में। तो ये हमारा डेली व्लॉग का व्लॉग नंबर 6 रहेगा। तो जैसे कि डेली व्लॉग का चैलेंज ये है कि हम एवरीडे आपके लिए व्लॉग्स लेकर आएंगे, जिसमें हम आपके लिए न्यू थिंग्स, लाइक जो भी हमारे पास न्यू प्रोडक्ट्स हैं उनके रिव्यूज़, बाइक्स रिलेटेड कंटेंट, और जैसे कि कुछ न्यू कंटेंट जो भी आता है हमारे पास वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो भाई इस वाले में हमने ये वाला व्लॉग हम इसलिए बना रहे हैं, इसका रीज़न बीइंग ये है कि जो हमारी लास्ट वीडियो थी उस पर हमारे हो चुके हैं 1500 व्यूज़, सो थैंक यू फॉर दैट। तो अब इस वाले ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये जो 55 सेंटीमीटर का जो हमारा बैग आता है, ट्रॉली बैग, तो उसका कंपैरिजन वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जिसमें मैं इस बार आपको तीन बैग का कंपैरिजन करूँगा। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा ये सफारी का बैग, ओके, और सेकंड हो जाएगा आपका ये VIP का, और थर्ड जो हम एक नया वेरिएंट लेकर आए हैं वो है प्रोवोक। तो अब जल्दी से मैं इन तीनों के बैग्स ओपन करता हूँ और तीनों के मॉडल सबको दिखाता हूँ और तीनों के जो डिफरेंस है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि अगर आप ये वाला बैग लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये बैग लेना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं, अभी मैंने इनका बैग जो इसका कवर था वो हटाया, तो कवर हटाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बैजिंग आती है। तो अगर ये वाले बैग की बैजिंग देखिए सफारी की, तो इसकी जो पॉलिथीन है एक ऑर्डिनरी पॉलिथीन इसमें मिलेगी आपको। प्रोवोक की बात करें तो इसमें भी आपकी ऑर्डिनरी रहने वाली है, बट अगर VIP की बात करें तो भाई इसकी जो पॉलिथीन होती है ना, जिसके ऊपर कवर होता है, वो भी आपको VIP इंडस्ट्री लिमिटेड का ही मिलने वाला है। तो ये चीज़ भी काफ़ी गौर करने वाली है कि जो बैग की कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए कितना ज़्यादा ध्यान रखती है और अपनी क्वालिटी और अपने प्रोडक्ट पे कितना ज़्यादा ध्यान रखती है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं इनकी वारंटी के बारे में। तो भाई जो आपका देख सकते हैं कि जो सफारी का बैग है इस पे आपको वारंटी मिल जाती है 5 ईयर्स का, इसमें मेंशन्ड होता है। और यहीं पे अगर VIP की बात करें एरिस्टोक्रैट की, तो यहाँ पर आ जाता है 7 ईयर्स की वारंटी का बैजिंग। बट अगर मैं इस प्रोवोक की बात करूँ तो यहाँ पर कोई ऐसी बैजिंग का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता है। और अब बात कर लेते हैं कि बैग के ऊपर भी कवर, तो अगर आप देख सकते हैं इस वाले पर कोई भी कवरिंग नहीं आती है। तो बट इसका डिज़ाइन भी कुछ ऐसा है कि इस पर अगर आप इस तरीके की पॉलीथीन लगाएंगे तो वो नहीं इस पर ज़्यादा टाइम रहेगी, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं आता है। बट अगर बात करें अगर VIP की, तो ये प्रॉपर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर ये पैकेजिंग के साथ ही आपको प्रोवाइड करा जाता है। सेम यहाँ पे प्रोवोक के लिए आ जाता है, प्रोवोक में भी आपको प्रॉपर पैकेजिंग के साथ ही आपको प्रोवाइड करा जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इसकी हैंडल की। तो अगर ये आप अप फ्रंट हैंडल देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से इसमें आता है। ये वाला देखेंगे तो थोड़ा सा ये कॉम्पैक्ट में है ये वाली अटैची, तो अगर आप देख सकते हैं इसका जो हैंडल है ये थोड़ा सा इसके कंपैरेटिव छोटा सा है, और इसका साइजिंग भी थोड़ा सा आपको जब आप परचेज करना चाहेंगे तो थोड़ा सा आपको छोटा लगने वाला है। और यहीं पर अगर इसकी बात करते हैं तो इसका भी हैंडलिंग यहाँ पर मिलता है। तो अब तीनों में जो मेन डिफरेंस है वो उसकी बात करते हैं, तो मेन डिफरेंस यहाँ पर ये आता है, जो इसका लॉक है ना ये आपको अपफ्रंट मिलता है, और यही बात अगर मैं इसकी यहाँ पर बात करता हूँ तो इसका मिलेगा आपको साइड पर VIP का, और यही बात करूँगा अगर सफारी की तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा साइड पर। और अब बात कर लेते हैं कि इनकी बैजिंग, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर सफारी की बैजिंग रहती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिस्टोक्रेट की बैजिंग रहती है। बट अगर आप यहाँ देखेंगे प्रोवोक की क्वालिटी में तो यहाँ पर ऐसी कुछ भी बैजिंग प्रोवाइड नहीं करी गई है। और अब बात कर लेते हैं फ्रंट लुक से, तो अगर फ्रंट लुक से बात करते हैं तो फ्रंट लुक में भी ये कुछ इस तरीके से रेडिश में इस तरीके का इसमें आपको डिज़ाइन मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको प्रोवोक की बैजिंग मिल जाएगी। यहीं पर अगर एरिस्टोक्रेट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो डिज़ाइनिंग है वो कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर आपको भी फ्रंट में एरिस्टोक्रेट की बैजिंग मिल जाएगी। और सेम इन द केस ऑफ यहाँ पर सफारी में, यहाँ पर भी आपको फ्रंट में बैजिंग प्रोवाइड करी जाएगी कंपनी की। चलिए अब इसकी बैक साइड प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। तो इसकी बैक साइड प्रोफाइल पे कुछ भी ऐसी बैजिंग नहीं है, बट यस यहाँ पर एक कवर है। इस कवर के थ्रू पे आप यहाँ पर इसको अगर हम ओपन करेंगे, अभी मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ, इसको ओपन करके आप अपना नेमिंग वगैरह लिख सकते हैं और अपना नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आपके अगर ये बैग आपका मिस लाइक गुम हो जाता है तो इस केस में अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो इसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर पाएगा। और अब इसके साइड में देखते हैं तो इसके साइड इसकी बैक प्रोफाइल में ऐसा कुछ नहीं आता है। इसकी बैक प्रोफाइल में खाली यहाँ पे एरिस्टोक्रेट का ये बैजिंग नहीं बोलूँगा, ये खाली एक लोगो टाइप यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा जाता है। बट यस यहाँ पर एक इस बैग से जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 2 डॉट्स। तो अगर इस तरफ आपका बैग गिरता है तो इसमें आपको यहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है कुछ इस तरीके से, और कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्व्स के थ्रू। बट हाउएवर यहाँ पर नहीं है ऐसा, यहाँ पर स्पेसिफिकली ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए अब सफारी में चेक कर लेते हैं। तो इस बैग में तो यहाँ पे कम्प्लीटली आपको कुछ भी ऐसा प्रोवाइड नहीं करा जाता। तो अगर मैं बैक साइड की प्रोफाइल की बात करूँ तो एरिस्टोक्रेट को जिसने ज़्यादा इस पर वर्क किया है और ज़्यादा मोर प्रीमियम इस बैग को बनाने की कोशिश करी है और मोर प्रोटेक्शन इस बैग को प्रोवाइड करने की कोशिश करी गई है। तो साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तीनों बैग की, ओके। तो तीनों बैगों की साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया लॉक ऊपर मिल जाता है, बट यहाँ पर जो लॉक्स हैं आपके
आपको साइड पे मिल जाते हैं। तो अगर लॉकिंग की बात करूँ तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे गोल टाइप का आपको लॉक मिल जाता है, यहाँ पर आपको ये चौरस टाइप का मिलता है, और सेम यहाँ पर आपको यहाँ पे चौरस टाइप का लॉक मिल जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके व्हील्स की। तो भाई व्हील्स आप देख सकते हैं 360 डिग्री वाले व्हील्स यहाँ पे प्रोवाइड करे जाते हैं, तो ओवरऑल ये भी गुड है। और यहाँ पर भी अगर देखते हैं तो इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा, तो इट्स लाइक इसके भी लाइक इट्स गुड। और अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी ये 360 डिग्री में। अब तीनों में एक छोटा सा कंपैरिजन मैं आपको बताता हूँ क्या है, तो एक बार मैं इनको स्ट्रेट कर लेता हूँ। यस, तो आप कंपैरिजन देखिए, अगर कंपनी चाहे तो ये जो आप देख सकते हैं ना, ये पोर्ट्स ये इन्होंने ओपन छोड़े हुए हैं, और यहीं पे अगर मैं बात करूँ एरिस्टोक्रेट की भी, यहाँ पर भी ओपन छोड़े हुए हैं। बट अगर यही बात मैं यहाँ पे अगर मैं सफारी की करता हूँ, तो सफारी को यहाँ पे प्लस पॉइंट मिलता है, क्योंकि सफारी के बैग में इस वाले पॉइंट को भी कवर करा गया है। तो दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक थिंग। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम बैग परचेज करते वक्त नहीं चेक करते, बट यस ये ही चीज़ बैग को प्रीमियम बनाती है और मोर प्रोटेक्टिव बनाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर नहीं था, और बट सफारी में आपको ये प्रोवाइड करा जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके। आप ये देख सकते हैं जो ग्रैब हैंडल जिसके थ्रू आप इसको लाइक लेकर जाते हैं बैग को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, ये 1-2 सेट में ही आता है। अगर ये 1 ओपन हुआ और ये सेकंड ओपन हुआ, ये 1 ओपन हुआ, ये सेकंड ओपन हुआ, ये 1 ओपन हुआ, 2 सेकंड ओपन हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर ये, अगर जैसे आप 75 सेंटीमीटर का बैग लेते हैं तो वो यहीं तक आता है, ठीक है, क्योंकि वो बैग की लेंथ ही ऑलरेडी बिग होती है। बट दीज बैग्स इनकी जो लेंथ है वो कम होती है और हाइट कम होती है, इसकी वजह से इसमें आपको ये अपर आपके हैंडलिंग के हिसाब से प्रोवाइड करा जाता है। बट यस, अब यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो अब तीनों का अगर आपको यहाँ देख पा रहे होगे, तो जो आपका ये प्रोवोक और सफारी, इसकी जो दिस जो लेंथ है, जो मतलब तरीका है, वो कुछ इस तरीके से आपको प्रोवाइड करा। अगर मैं बोलूँ तो ये ऐसे मेरे हैंडलिंग के मेरे हाथ को आप देख कर पहचान कर पा रहे होंगे कि इस तरीके से आपको प्रोवाइड करा जा रहा है। बट यही मैं अगर एरिस्टोक्रेट की बात करता हूँ, तो उसमें एंगलिंग आपका इस तरीके से है। तो अब ये तो हमें देखना है कि किस तरीके से आपको ये एनहेंस करेगा, बट मुझे जैसा लगता है कि ये वाला जो मेथड है ना, ये आपको ज़्यादा बैक को प्रोटेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू दिस। इस वाले में लोड आपके हाथ पे ज़्यादा आएगा, बट एज़ कम्पेयर टू दिस वन इसमें आपका लोड कम आएगा हाथ पे। तो ये दिस इज़ माय पर्सनल असम्पशन, बट बाकी अगर आप यूज़ करते हैं बैग तो आप भी बता सकते हैं इस चीज़ को लेकर। तो एक बार मैं इसको नीचे करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो पूरा नीचे हो गया। ओके, तो अब ये अगर हम इसको सिंगल लेंथ पे रख रहे हैं, तो सिंगल लेंथ में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपकी जो लेंथ है वो इन तीनों में जो लेंथ है वो सबसे कम इसकी आ रही है। तो ये वाला बैग तो आपको डेफिनेटली 2 के साथ ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, बट एज़ कम्पेयर टू प्रोवोक और सफारी ये बैग आप अपराइट पोजिशन एक सिंगल में भी रख पाएंगे, बट नॉट इन द केस ऑफ एरिस्टोक्रेट। तो यहाँ पर एरिस्टोक्रेट को पॉइंट नहीं मिलता है, बट येस एरिस्टोक्रेट को यहाँ पर मैं पॉइंट दूंगा इस वाली डिफरेंट कॉन्सेप्ट को यूज़ करने का। तो चलिए अब स्पेस वाइज बात कर लेते हैं। तो स्पेस वाइज चलिए अब सफारी से स्टार्ट करते हैं। सफारी में फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं इनसाइड भी आपको यहाँ सफारी की बैजिंग मिल जाती है, साइड्स में यहाँ आपको चेन मिल जाती है, और यहाँ पर एक प्लग इन का ऑप्शन के साथ आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, और क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम। बट एज़ कम्पेयर टू भी आपको दिखने से लग रहा हो या ना लग रहा हो, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया है, तो अगर स्पेस वाइज बात करी जाए तो ये वाला जो बैग है ना अपना प्रोवोक का, इसमें आपको प्रॉपर अच्छे से ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करी जाती है। बट एज़ कम्पेयर टू दिस टू, मैं अगर स्पेस के बारे में बात करूँगा तो प्रोवोक को ज़्यादा स्पेस है इसमें, उसके बाद सफारी में, उसके बाद अपना एरिस्टोक्रेट में। बट यस, अब यहाँ पर थोड़े प्रीमियम क्वालिटी की बात कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनसाइड आपको कोई भी बैजिंग नहीं मिलती है, राइट। आप देख सकते हैं इनसाइड यहाँ पर नॉर्मली काम करा गया, बट यस सेम फंक्शनैलिटी का यूज़ है। यहाँ पर देख सकते हैं चेन का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये मिल जाता है चुट या बेल्ट बोल सकते हैं, और सेम यहाँ पर भी आपको बेल्ट मिली है, और यहाँ पर भी आपको ये चेन वाला कॉन्सेप्ट मिला है जिसमें आप कपड़े रख सकते हैं। बट यस, यहाँ पर भी आपको एरिस्टोक्रेट की बैजिंग मिलती है, और अंदर ये जो कपड़ा है इस पर भी एरिस्टोक्रेट लिखा हुआ है। तो अंदर से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर एरिस्टोक्रेट और सफारी के बैग में आपको प्रॉपर बैजिंग यहाँ पर आपको मिलने वाली है, नॉट इन द केस ऑफ एरिस्टोक्रेट, सॉरी नॉट इन द केस ऑफ प्रोवोक। सो गाइज, दिस इज इट द डिफरेंस बिटवीन प्रोवोक, एरिस्टोक्रेट एंड सफारी बैग। ये तीनों आपके 55 सेंटीमीटर के बैग्स हैं। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, अगर आपको ये तीनों बैग लेने हैं तो इन तीनों बैग में आपको कौन सा बैग आपकी अवेलेबिलिटी और आपकी रिक्वायरमेंट के साथ आपको कौन सा बैग लेना चाहिए। तो हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और लाते रहेंगे। अभी हमारा पूरा सेट स्लॉट पड़ा है बैग्स की अनबॉक्सिंग का। तो गाइज, इस वीडियो को आप जल्दी से जल्दी वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोर मोटिवेशन मिले और हम इससे रिलेटेड कंटेंट आपके लिए शेयर करते रहें।
तो दिस इज इट फॉर टुडे, ये हमारा डेली व्लॉग का 6th व्लॉग है, तो मिलेंगे आपसे किसी और फ्रेश व्लॉग में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग हेयर, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।